कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि नगर निगम शिमला चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए राठौर ने 5 राज्यों में हुए चुनाव परिणामों के सवाल पर कहा कि ये चुनाव मुद्दों से हटकर जातिवाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर हुए। उन्होंने कहा कि अब इन सरकारों को लोगों से किए गए अपने सभी वादों को पूरा करना चाहिए। लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि है और इसका पूरा आदर और सम्मान किया जाना चाहिए। अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है, इसलिए प्रदेश की अन्य राज्यों के साथ कोई भी राजनीतिक तुलना नहीं की जा सकती। राठौर ने इस बात से साफ इनकार किया कि 5 राज्यों में हुए चुनाव परिणामों का कोई असर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन चुनाव परिणामों का राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस मंथन करेगी। उन्होंने कहा कि देश में आज़ादी के बाद कई राजनीतिक दल बने और चले भी गए। कांग्रेस ने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर कांग्रेस कभी भी अपनी विचारधारा से डगमगाई नहीं। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द कांग्रेस देश में मजबूती के शिखर पर खड़ी होगी। राठौर ने कहा कि प्रदेश में 4 उपचुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत हासिल हुई है और अब नगर निगम चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को शानदार जीत हासिल होगी। राठौर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे हाल ही में प्रदेश में कांग्रेस के सदस्यता अभियान के चलते जिलों के दौरे से लौटे हैं। प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है, इसी जोश और उत्साह के साथ कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। मुख्यमंत्री अब लोगों को रिझाने में जुट गए हैं, भाजपा को अब इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जितनी भी घोषणाएं कर रहे हैं वो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि प्रदेश ने सरकारी खजाना खाली किया है और सरकार अपना खर्च चलाने के लिए हर महीने कर्ज ले रही है। जो ये चुनाव हुए निश्चित तौर पे हमारे लिए निराशाजनक है। कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। हम इन कारणों में जा रहे हैं, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इस हार को लेकर मंथन कर रहा है और जहाँ भी कमियाँ रही होंगी उन कमियों को हम दूर करने का जो है प्रयास करेंगे। और मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूँगा कि जो ये 5 राज्यों में चुनाव हुए ये मुद्दों पे चुनाव नहीं हुए, क्योंकि इन चुनाव में कहीं भी महंगाई का मुद्दा नज़र नहीं आया, कहीं भी बेरोज़गारी की जो बढ़ती हुई दर है उस पे चर्चा नहीं हुई, कहीं भी कानून व्यवस्था के बारे में जो है चर्चा नहीं हुई। विकास तो इन चुनावों में कहीं नज़र नहीं आया। ये चुनाव जो है लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करके भ्रमित करके लड़े गए। देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है, हर पार्टी को अधिकार है कि वो पार्टी जो है चुनाव लड़े। और आज़ाद भारत से लेके अभी तक 47 के बाद कितनी पार्टियां बनी हैं इस देश में और कितनी पार्टियां अपना अस्तित्व बचा पाई हैं। अगर आप देखें बहुत सारी पार्टियां आई, चुनाव लड़ी, जीती, एक बार जीती, दो बार जीती, उसके बाद अस्तित्वहीन होगी। कितने दल है आज जो कि आज भी जनता के बीच में जो है कायम है। मुझे इस बात का गर्व है कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा नहीं बदली, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सोच नहीं बदली। बहुत ज़्यादा समय कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में हुआ है। एक समय ऐसा था हम जो है बहुत ऊंचाइयों में थे, ऊंचाइयों के बाद हम नीचे भी आए, फिर हम दोबारा उठे। तो ये तो चलता है, ये निश्चित तौर पे नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ हम किसी दूसरे की तरफ क्यों देखें, हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। हमें लगता है कि कहीं कमी है, उस कमी को हमें दूर करना है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है मजबूत है,